क्यों बोले अज तुम भी सुन लो आ कैमरे राही सुना भी दो सारे चैलेंज आ पिंडा का वह भी सरपंच ने इन्हें माता जी भी सरपंच ने काका जी आप भी सरपंच कहते हैं उन्होंने मुकाबले 30% भी काम किया हो 30% मैं विरोध करना बंद कर दूँ ज मेरा सुनेहा ला दूँ ऐसे करके मैं उदन कहा मैं जिदन बादल कहता आम आदमी का किसी का राज आ गया ना ये भालिया नहीं थे होना इन्हें सरेंडर करना अज लिख के ले लो 9/11 9/11 के नाल टोचन पाओ सुखबीर के खिलाफ लड़ाओ लंबी सीट पर लड़ाओ जिथे अज तक कांग्रेस पार्टी जीती नहीं तो जित के दे दू नाले ताकत का एहसास तो नाले सब तो प्लस पॉइंट कि जोड़ी सीट कदे जीती नहीं वो साड़ी झोली एड्डी वड्डी ताकत नूं 9/11 नूं आशे नाल टोचन क्यों आशे नाल आशा ठीक रहिंदा 9/11 नाल टोचन पाता आशा नाल 9/11 दा तो तुसीं ते कहदे सी मैं घड़ीस लूंगा ते घड़ीस दा नहीं सोनू पता नहीं जिहड़ा आशा ना जिहड़ा आशा डायरेक्टर आ इह घड़ीसे ना घड़ीसे पर धूआं मरवा दिंदा इह अड़िया रहिंदा कड़ 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 करदा रहिंदा सो उही जिहड़ी टस आ ना आसा ही भन्नदा सारिआं दी सियाणे कहिंदे सी वी आसा ही टस भन्न दू सो 9/11 दे स्लिप बज्जी जांदे ने बज्जणगे स्लिप बज्जणगे इह स्लिप अहीं बज्जणगे आशे नूं तुसीं कमजोर ना समझो जे कल तुसीं हार जांदे हो फिर तुसीं कहंदे वी राजनीति छड्ड दोगे जे टिकट मिल जांदी है तुहानूं जां किसे होर पार्टी चों मिल जांदी टिकट जिहड़े दावेदार ने उहनां ने विरोध करिआ होइआगा ते उह कह रिहागा जे ना मैनूं टिकट दित्ती चेतावनी दे रिहा तां मैं याद लड़ूं पर लड़ूं इत्थों हंकार लड़ूं इत्थों हैंकड़ हैंकड़ मानसा दे विच ना चली आ ते ना चले तां असीं चलन देईए एडा मतलब कि इहनूं चढ़िआ होइआ बुखार मेरे ते टिप्पणी करदा 302 वाला तां इनू पुछो कलाकार नू मैं तो हरेक टिकरी बॉर्डर सोनू वीडियो दिखा दूँ मैं डांगा पुलिस तो खांदा इनू पुछो ना माड़ा जा भी कित्थे सी तू किसानी अंदोलन च इहदी करतूत सुन लो दिखा दिओ माड़ी जी दी करतूत साडी जथेबंदी ढांचे ने मानसा धरना अड रखिया इहने मां दे शेर ने अड रख लिया उत्थों ऐलान करता 2 साल पहला मैं MLA बनूंगा एक इहदा दोस्त सी उहने कहता MLA दा सिद्धू मूसे वाले वर्गा होना चाहीदा एक कम मानसा लई एक कम डिबेट कराओ मेरी करियो सवाल एक ऐसा कम जिहड़ा पहला कीता होवे असीं बदमाशी नहीं कीती असीं स्टेजां तों फोकियां थापियां नहीं मारदे जे असीं मारदे हां तां अणख नाल मारदे हां ते फिर असीं जिथे पैर धर लिया असीं पिछे नहीं हटे लोक सोचदे ने भी वोट चेहरे नूं पाईए कि उहदे कम नूं देख के पाईए लोक सोचदे ने इन केस जिहदे कोई वड्डी उम्र दा फैन भी वोट नहीं पाउंदा देखो कोई अपना गाने गाने किनू वोट पाऊगा इहदे गाने तां कहिंदे आ परौणा फेर आ गया चक दांगे ठोक दांगे ठीक आ साला बना लांगे इहनां नूं वोट किवें पैणी आ इहदी आपदी सीट दे हालात मानसा दे की बणे पए ने इह तां कहिंदे मैं 14 कढ के दिउं ते इहनूं भेजो ना होर हल्के जिहनूं पता लग जू किन्नी किहदी फैन फॉलोइंग आ इहनूं कह जा कांग्रेसी इकट्ठे करके दिखा 100 किसे भी हल्के च इहदे जाऊ कित्थे अगला की सोच के जो भी सिद्धू मूसे नूं वोट पाउ MLA बनाउणा गा MLA किनू बनाउणगे लोग सिद्धू मूसे वाले नूं कलाकार नूं देण की आ बहुत सोचणगे समझदार लोग ने खास करके मानसा ने दी एक फेम चेहरा चाहे वह कोई भी स्टार है चाहे वह गायक है चाहे वह बॉलीवुड चो है चाहे बॉलीवुड चो है वो एक शख्स किसी भी 107 सीटा चला जाता है तो जो शख्स काम कर रहे कोई वैल्यू नहीं होंगी नहीं होंगी वो खत्म है देखो ज पार्टी खत्म करवा दें हरेक पार्टी चाहती है कि एक फेम वाला बंदा साढ़े वालों लड़े शायद वह आसरा जोड़ा पूरे पंजाब च जां पूरे हिंदुस्तान च जावे हरेक किसी टिकट कट के किसी टिकट करके हाँ बली तो देनी पैंदी है फिर बली तो हुण जदों किसे कितों उदों लड़ाउणगे उहदी किसी ने किसी तां बली आउ सिद्धू मूसे वाले उत्थे आ गए ने जे पंजाब च किते होर वी चले जांदे तुहाडे वर्गे इक नौजवान दी होर वी टिकट कट्टी जाणी सी फिर जिन्ना दुख तुहानूं अज हो रिहा ते कोई होर नौजवान वी दुख ना होणा सी ऐसे करके अज मैं लड़ाई लड़ रिहा कि किसी माँ दा पुत्तर जदों सुपने देखदा तां कोई पाणी ना फेर सके मेरे नाल जो हो देखी जाओ क्योंकि टिकट तो पार्टी देनी है ना फिर दोषी किनू मनते असल में देखो ये दोषी बड़ा औखा सवाल किया मैं ये राजनीति विच कोई भी पक्का नहीं हुंदा ते राजनीति विच कोई भी लिखवा के नहीं लैके आउंदा कि उह किन्ना समां चलूगा हुण सब तो अहम सवाल है कि सियासत जदों शुरू हुंदी है कि व्यक्ति नूं पता हुंदा अज है कल नहीं हैगा जां कोई इहो जिहा भी सियासतदान सोचदा कि अज मैदान विच आ गया अज MP MLA बन गया हुण पक्के लोग उस नूं चुनणगे तां अलग अलग तरीके दे नाल सवाल हुंदे ने जवाब जिहड़े ने फिर लोग 5 साल बाद जाके
देंगे ने कि व्यक्ति उन्होंने फिट आ कि उम्मीदवार उन्होंने जचता ये लोग तय करते हैं। पर उस तो पहला बहुत कुछ सियासी पार्टियां कर दियां ने स्टेजों तो चलता सियासी वाद होंगे ने। चोण जाबता लग चुक है 14 फरवरी को वोटां ने, उस तो पहला कई सियासी पार्टियां ने अपने उम्मीदवार उतारे ने, पर 117 उम्मीदवार हुण तक किसी ने भी नहीं उतारे। तो अज्ज गल करांगे मानसा हल्के की, मानसा हल्के की जो इस समय बहुत ही ज़्यादा सीट गरमाई हुई है, हो भी पंजाब सीटां ने जितने लोगों दी नज़र टिकिया हुई ने भी उस सीट तो किहड़ा उम्मीदवार जितेगा। साढ़े नाल मौजूद ने एक नौजवान शख्स जसपिंदर सिंह चहल, आपां उन्हां नाल गलबात करांगे। मानसा हल्के तो आउंदे ने, पिछोकड़ इन्हां दा सियासी रिहा, दादे परदादे सियासी रहे ने। तो अज टिकट की जो गल आउंदी है कि वाकई ही नौजवानों नूं टिकट मिलनी चाहीदी है, जदों नौजवान दावेदार हुंदा उदो किसी होर नूं विच लिजा के फसा दिता जाए तो की बीतती है। कहिंदे ने भी कोई भी सियासी पार्टी के व्यक्ति आउंदा उस नूं टिकट उसकी इमानदारी टिकट उसके कम्मा काज तों देनी चाहीदी है। कि जसपिंदर चहल नाल भी यही हो रहा, साढ़े खुद मौजूद ने, अपने गलबात करांगे। जसपिंदर जी बहुत स्वागत है पंजाब न्यूज़ ते। सत श्री अकाल जी, जी आयां नूं। मैं पहला ही सवाल है मानसा की सीट या पंजाब की, यह जी कई सीटा गरमाइया हुई ने, नज़र टिकिया हुई ने पंजाब के लोगों दी, भी इस सीट तो किहड़ा शख्स जीतूगा? सवाल पहला तुहाडे ते, तुसीं रैलियां भी करदे हो, रैलियां दे विच भड़क भी मारदे हो और बोलते भी हो भी सीट के दावेदार तुसीं हो, और अलग अलग तरीके होर भी दावेदार उत्थे हैगे ने, सिद्धू मूसेवाले भी दावेदार ने। पहला मेरा सवाल है, इन्ने यंग हो पर पिछोकड़ वाकई ही, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया से पढ़िया सी कि जसपिंदर कितने गलत भी बोल देंगे ने, कदे झूठ भी बोल देंगे ने, उन्हां दा पिछोकड़ है ही नहीं सियासत पक्षों, कि वाकई तुहाडा पिछोकड़ सियासत है? बिल्कुल जी, मेरे परदादा जी सरपंच रहे ने पिंड दे, दादा जी मेरे सरपंच रहे ने, ताया जी आज़ादी तो पहला सी मेरे लोक सेवा च लगे हुए ने, कांग्रेस पार्टी आज़ादी तो पहला की गल करदा। मेरे परदादा जी मैं दसदे हुंदे सी मैनू कि जदों सूरज की टिक्की इधरों छिपदी आ असी ट्रक लैके चलते इकट्ठ करके, तो दिल्ली उदों जवाहर लाल नेहरू जी होंदे सीगे स्पीच देंदे होंदे, उन्हां दी सुन जांदे, तो सूरज की टिक्की उत्थे चढ़ इधरों छिपदी सी ते उत्थे चढ़दी सी उत्थे पहुँचदी सी। हुण तुसीं आप ही हिसाब ला लो, भोपाल कलां मेरा पिंड आ, भोपाल कलां वाल भोपाल खुर्द दो पिंड ने, दोनों पिंडां दे सरपंच एक बनदे सीगे, परदादा जी रहे ने, दादा जी रहे, ताया जी कांग्रेस पार्टी विच रहे ने, हां कांग्रेस पार्टी बहुत पुराना, मतलब कि देख लो तुसीं देश जदों आजाद होया उस तो लैके हुण तक सरपंच ही अपने कोल आ, हुण भी अपने चाचे ताया दे मुंडे कोल आ, ठीक है, तो नाल ही ब्लॉक समिति के जिहड़े चेयरमैन ने वो भी इस टाइम मेरे पिंडों ने, वो भी अपने घरां चों बने हुए ने। हुण गल तुहाडी करिए, कितना समा हो गया तुहानूं एक्टिव होए नूं कांग्रेस दे विच या पोलिटिक्स पार्टी विच? देखो मैं कबड्डी का प्लेयर सीगा, एशियन गोल्ड मैडलिस्ट चैंपियनशिपा इंडिया लई काफ़ी वार खेडिया गा, मैडल भी लए ने, तो 2010 दे विच मैं यूथ दे विच कम करना शुरू किया सीगा, और 2011 च पहली इलैक्शन लड़ी हलका प्रधान, दूसरी इलैक्शन लड़ी 2015 च फिर हलका प्रधान, तो 2019 च मैं जिला प्रधान यूथ कांग्रेस का बनया। हुण सवाल आ जांदा भी तुसीं कहिंदे भी 11 साल तुसीं रहे हो कांग्रेस पार्टी के काम किए ना, दे उधर भी तुसीं दस रहे हो, हुण स्पष्ट सवाल है टिकट की जो गल करिए, 11 साल रहे हो उत्थे, मंदे भी टिकट के दावे का तुसीं हो मानसा तो? देखो कोई भी इंसान जदों काम करता गा, कोई भी चाहे मैं आ चाहे कोई होर कांग्रेसी वर्कर साहबान ने चाहे कोई सीनियर लीडरशिप आ साडी, जदों लोकां च विचरदिया काम करदिया हरेक बंदा एक आस उम्मीद नाल अपने सुपने लैके हल्के च उतरदा, लोकां च उतरदा, उहनूं इह हुंदा वी मेरे परिवार ने यह किया तो अज मैं भी यार लोगों लिए कुछ चंगा करा, एक सुपना हुंदा हरेक बंदे दा। हर बंदा जदों मेहनत करदा किसी भी खेत्र च आ तो जरूर चाहुंदा कि मैं होर अगे वधां, होर अगे वधां। बिल्कुल मैं 10 साल मैं समझदा कि मैं अपने कीमती समा लोगों को दिता, लोगों का प्यार लिया, दुख सुख च खड़िया उन्होंने, तशद्दुद चलिया 10 साल अकाली दल की गौरमेंट सी जदों बहुत तशद्दुद चलिया, जेलां भी कटियां, लड़ाइया भी लड़िया, धरने भी लाए, तो अज जदों समा आउंदा साडा तो सानू यह भी सी टिकट अपलाई करिए, तो जो मेहनत करते हैं उन्होंने मिलनी चाहिए है, चाहे मैं चाहे कोई होर आ, कोई जरूरी नहीं कि संगठन ने मैनू ही देनी है, अगर मेरा काम सोहना लोगों की आवाज़ आ लोक हित मेरे हक च खड़ता तो बिल्कुल देनी चाहिए है। सिद्धू मूसे टिकट मिल गई विरोध करोगे? देखो सिद्धू मूसेवाले ने टिकट मिल गई मेरा विरोध आ, विरोध क्यों आ, इस करके विरोध आ मेरा, मैं कहना वो साडा नामी गायिका, ठीक है, उसकी बड़ी पहचान आ, परमात्मा ने उन्हें बहुत सोहनी वर्तम के जिम्मेवारी दी, एक बड़ा कलाकार आ, बड़ा नाम आ, मानसा का नाम भी उन्हें रोशन किया,
मैं कहना जी आया नूं पार्टी च आए ने वैलकम लोगों लिए काम कर लोगों चाहन साढ़े जिले नूं समझन साढ़े जिले के हालातों समझन कि असी किस हालातों चो गुजर रहे हैं नशा किन्ना क वध चुकिया गा साडा एजुकेशन सिस्टम कित्थे खड़ा मैडिकल हैल्थ लाइन साडी कित्थे खड़ी आ कोरोना और किसानी दे विच किसानी अंदोलन दे विच असी किन्ने क पीड़ित जिहड़े परिवार ने तो असं उन्होंने किन्नी क मदद कर चुके हैं जी कोरोना दे विच साडी की देना कई सवाल ने मेरे मन च उन्हां प्रति जे वो आउंदे ने लोगों से विचरन जिदन लोगों ने चाहे तो MLA बन सकते हैं MP बन सकते हैं टिकट लिजा सकते हैं टिकट पार्टी ने देनी आ मैं इको गल करके विरोध करदा कि कित्थे जाणगे वो मामा दे पुत कित्थे जाणगे वो लोग नौजवान एक सुपना बना के मैदान च उतरते हैं भी यार मैं आ लोगों लिए करना आ सुपना मेरा मैं एक चंगी सियासत करनी आ चंगे लोगों प्रमोट करना नौजवानों के हकों लिए लड़ना नशे के खिलाफ मैं लड़ना मैं एजुकेशन सिस्टम लिए लड़ना ठीक है मैं आम परिवार चुट के एक सुपना देखा गा जदों तुसी पीक ते हुंदे हो जिवें जट बड़ी मेहनत नाल फसल बीजदा ठीक है फिर उन्हों तैयार करता पानी लाउंदा फसल तैयार करता जदों वढ़न दा समां आउंदा कई बार कोई होर वढ़ के लै जाए तो जट दे पुत्त ते की बीतदी आ सो वो सेम कंडीशन आ सियासत आ जिहड़ी जिहड़े कोई भी काम आप करते तो बड़ा संघर्ष करना पैंदा अज कोई होर आउंदा गा तो किवें मैं बर्दाश्त करूँ मैं एक तो छड्डो किसी भी पार्टी च कोई भी बर्दाश्त नहीं करता विरोध उन्हां दा गा पार्टी का कोई विरोध नहीं पार्टी ने मैनू बहुत मान सम्मान दिता पार्टी किसी नूं भी टिकट देवे सरपंच नूं देवे किसी MC नूं देवे पार्टी किसी पुराने जिसने लोगों नूं समर्पित कोई लीडर उन्हूं देवे मैं उहदे नाल मगर खड़ के उहदी लड़ाई लड़ूंगा। तुसीं सुपने दी गल कीती फिर लगता भी सिद्धू मूसेवाले ने तुहाडा सुपना तोड़ दिता है जे टिकट उन्हां नूं मिल जांदी है। देखो सुपने मैं नहीं मानदा मेरा सुपना तोड़ दूगा सुपना कोई किसी दा नहीं तोड़ सकता कोशिश कह रहे हो ना हाँ हरेक बंदा कोशिश करदा गा ठीक है अज उहदे नाल ताकत आ अज उहदा वड्डा नाम आ मेरा एडी हैसियत मेरी नहीं हैगी ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਪਦਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਪੱਖੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਆ ਦੇਖੋ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਗਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਡੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਖੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੋਲੇ ਨਾਜਰ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਆ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੱਕ ਲਈ ਨਾਟ ਟਿਕਟ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਲਈ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦਿਓ ਹਰ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਲਈ ਹਰ ਉਸ ਵਰਕਰ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਜ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਬੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੜੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੀ 11 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਟਿਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਟੀਸ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 11 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਗਾ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮਨ ਸਮਝਾਓ ਤੇਰੇ ਲਈ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਉਮੀਦ ਆ ਸੰਗਠਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ ਤਾਕਤ ਆ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖੋਂ ਲੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ
अच्छा एक होर अहम सवाल है कि जिवें तुसीं कह रहे कि आए राहुल गांधी को लैके भी तुसीं 11 साल काम किया लोग तुहाडे नाल हैगे ने उत्थे जो लोग ने जां यूथ है उत्थे जां जिन्हां ने वोट करनी है क्योंकि हुण चोण जाता लग चुके है लोग की सोचते हैं जी लोग तुसीं जाणदे हो लोगों के विच कि अज भी तुहाडा नाम लिया जाता कि कहिंदे ने यार भी हुण तां सिद्धू मूसेवाला आ गया जित जूगा उहदा चेहरा वड्डा उह सीट कढ जूगा हुंदी चर्चा कीती जां तुहानूं आ के लोग कहिंदे हुण तुहाडे आप दे जिहड़े नाल तुहाडे वर्कर हुण मैं सुनिया सीगा कि बड़ियां ताकतां नाल कैबिनेट मिनिस्टर रजवाड़िया नाल लोग ने पर ये लोगों ने पहले बार मेरा मैनू इन्नी बल दिता 4 दसंबर में मैं करेली करी सी जिथे सारा विवाद शुरू होया उत्थे पैंदे मींह दे विच 7 तो 8 हज़ार बंदा ऑन रिकॉर्ड आ तुसीं इंटैलीजेंसी रिपोर्ट ले लियो वीडियो चैक कर लो मेरिया फोटोज़ चैक कर लो 4 दसंबर नूं मींह पै रहा मैं बोल रहा तो लोग सुन रहे हैं इस तों वड्डा कोई प्रूफ नहीं जशपिंदर वीर कोई ताकत नहीं जशपिंदर वीर किसी नूं चैक नहीं दे सकता जशपिंदर वीर किसी नूं ठाणी कचहरी च किसी दा कम नहीं करवा सकता क्योंकि ताकत अज सिद्धू कोल आ ओह कलाकार भरा कोल अज ताकत ठीक है सारियां पावरां 5 करोड़ रुपए जशपिंदर ने 5 करोड़ दा चैक नहीं बंडिया फिर भी 7 हज़ार बंदा नाल लोगों नूं पता कि यार इहदे तों कुछ मिलना नहीं पर उन्हां नूं पता हुण मिले ना मिले जदों करोना सी जदों किसानी सी इह नौजवान ने साडे लोगों दे विच एक नवीं रीत पैदा की घरों चल के करोना किटा ऑक्सीजन किटा मशीन बेरोजगारों रुजगार भैनों उन्होंने हकों खड़न मैं प्रेरित किया मेरा पेज चैक कर लियो सोशल काम बहुत कीते नाल मैं ठीक है मेरी इच्छा गई एक चंगी मतलब कि पनीरी नू मैं आप स्पोर्ट्समैन हाँ मैं कबड्डी का खिडारी हाँ मैं चाहना एक वो पंजाब दारा सिंह होरी होंगे सके साडे भगत सिंह होरी उदा का पंजाब उदा के नौजवान निकल के सामने आन क्योंकि कितना कितने मेरे पिता जी कहते होंगे ने कि बेटा एक किसी घर में जो आप धी भैन एक अगे वधा देंगे समझ ला भी एक बहुत बड़ा पुन का काम आ किसी माँ के पुत नू चंगी सेहत देनी बहुत बड़ा काम अच्छा यह सवाल तुसीं लीडरां नूं कीता जे तुसीं कह रहे हो भी सियासी तौर ते तुहाडा कतल कर दिता गया तुहानूं सीट जे उत्थों टिकट ना दित्ती यह सवाल तुसीं लीडरां नूं कीते जाके नवजोत सिंह सिद्धू नूं पुछिया उप प्रधान ने कांग्रेस दे पंजाब दे विच ते जाके होर उन्हां दी गल रखी भी तुसीं कल तां ले सिद्धू नूं उत्थे सिद्धू मूसेवाले नूं पर मैं गया सां तां काम कर रहा फिर लीडरां ने कोई जवाब दिता कि मिले उन्हां नूं जाके देखो मैं सिद्धू साहब नूं भी मैं मिलिया मैं संगठन दे साडे कृष्णा जी हरीश चौधरी जी ढिल्लों साहब नूं मिलिया और अजय माकन जी नूं मिलिया ते राजा वड़िंग जी नूं राजा वड़िंग ने खुद ज्वाइन कराया सी नाल हाँ मैं उस तों बाद मिलिया सी उन्हां नूं मैं कहा सी बई जी भी देखो तुसीं भी साडे आइडल हो तुसीं ग्राउंड तों उठ के गए हो तुसीं जिला प्रधान पंजाब प्रधान तुसीं बहुत अगे गए हो यह सफ़र तय करके बड़िया मुश्किलों सामना करके अज मैं वो कंडीशन ते मेरा सहारा मैं उन्होंने एको गल कही कि तू लग्या रहे कोई गल नहीं तेरी मेहनत का मुल तेनू मिलेगा असी तेरी गल रखांगे कई बार पार्टी नू मजबूरन फैसले लेने पैंदे ने पर इहदा मतलब ये ना समझ भी तेरी इसे नाल नहीं चलो उन्होंने हौसला दिता सेम ही है कृष्णा जी ने हरीश चौधरी जी कह रहे ने बाकी देखो तुसीं समझदार हो तुसीं रोज़ तुहाडा फील्ड च काम आ पोलीटिकल लोगों नू मिलदे हो होना की आ अगे की सामने आना वो तो अजे कुछ दिनों बाद आऊगा अच्छा पर मेरी लड़ाई लोक हित लई वह जारी आ टिकट मिले ना मिले वो जारी रहूगी अच्छा लीडर लोगों नू लाड़ा ला दे तुहानू भी लाड़ा ला दिता राजा वड़िंग ने भी लाता कृष्ण कुमार जी ने भी लगा ये तो अजे तक कह नहीं सकते भी लाड़ा लाता क्योंकि अजे कहिंदा टिकट क्लीयर होगी हजे कोई टिकट क्लीयर आस हैगी टिकट मिल जूगी पूरी आस आ ऐसे करके लड़ाई लड़ रहे हैं संगठन कितने ना कितने तो सोचू भी जदों दिल्ली दे विच 10 बसां की लोड़ आ पंजाब दे विच कितने ना कितने लोड़ आ तां यारे मुंडे लैके पहुँचते हैं जदों किसानी अंदोलन सी बई जी मैं टिकरी बॉर्डर मैं टकैन साहब दे नाल मैं हर जथेबंदी दे नाल राशन भी इकट्ठा करके भेजते रहे हैं मेरा समुचा ढांचा मतलब 3 परचे ने दिल्ली और संसद का घराओ किया ट्रैक्टर फूकिया ठीक है फिर खट्टर साहब का घराओ ट्रैक्टर इतने असी लड़ाई लड़ी तशद्दुद चलिया करोना दे विच मैं तुहानू दस रहा होर बड़े काम ने जिहड़े लगे हुए संगठन लई करन किते ना किते तां सोचणगे भी फिर होंद किवें रहूगी संगठन संगठन रहू किवें अच्छा ये काम सिद्धू मूसेवाले नहीं किए तां तुसीं कहदे हो नहीं किए तुसीं दसो कदे देखिया मानसा दे विच कदे मैं तां तुहानू बहुत वीडियोज़ फोटोज़ दिखा सकदा घर पवाए आ लोगों की वो भैन धियां भैन की पढ़ाई की फीस फ्री की आ जिन्हें करोना च माँ प्यो चले गए ऑन रिकॉर्ड मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फीस भरता रहा गा ये कोई मैं सुना नहीं रहा मैं एक सोच की गल कर रहा भी एक जनून आ काम कर कई NGO मेरे नाल काम कर रही ने कई चंगे लोग मेरे नाल काम कर रहे हैं भी यार जरूरी नहीं MLMP बन के जशपिंदर साहब काम करना चंगी सोच है जी भी काम कर सकती है जोड़ा बदला वो MLMP बन के नहीं आना बदलाव जो सोच ने लेके आना अस कि खड़े हाँ
ਸੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 302 ਦਾ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਣ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਔਖਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਆ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੇ 302 'ਚ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਸਾਲੇ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘਰ ਲਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀਰ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੰਡੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 5-7 ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਈਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅ ਵਰਤੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਦਣ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣਾ ਇਹਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਲਈ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਥਾਪੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਸੀਂ ਥਾਪੀ ਰੀਅਲ 'ਚ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਫੋਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ ਧਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਮਾਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਲੜਾਈ ਲੜੋ ਕਿਸ ਐਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ 302 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਸੋਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਡਾਂਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਨਵਦੀਪ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਹਰੇਕ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਛਾੜਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਗਠਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੁਣ ਲਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਧਰਨਾ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਅੱਡ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ MLA ਬਣੂੰਗਾ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ MLA ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆ ਵੀ ਭਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਾਨਸਾ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ ਮੇਰੀ ਕਰਿਓ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤਾਕਤ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਉਹ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 400 ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਗਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਫੇਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦਾ ਚੈੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਮੇਰੀ ਪੈਂਦੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ 7000 ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਚਿੱਪ ਭਿੱਜ ਗਏ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਫੋਕੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਣਖ ਨਾਲ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਧਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਤਾਂ 18 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਕਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਦੇਖੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਮੈਚ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂਹਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉਹ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਵੱਡੇ ਪਾਉਣ ਦੇਖੋ ਫੈਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਫੈਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਫੈਨ ਵੋਟ ਪਾ ਦੂ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਨ ਕੇਸ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਫੈਨ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਊਗਾ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਠੋਕ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਆ ਸਾਲਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣੀ ਆ
इन्हें कहना है कि इन्हें कहना कोई यह जहा गाया गा भी माँ होंगी है माँ हो दुनिया वाले हो मानक साहब का गाना सी पर लोगों ने बई जी वह भी हराती सी पता सोनू ये तो बच्चे ने उन्हों समझदार लोग भी सी क्योंकि उन्हें गाने बहुत सोने से लोगों सेध देंदे कुछ सीखन मिलता सी ठीक है ये तो सीखन की मिलता गाने सुने मैं तो कभी सुने नहीं ये तो सीखन की मिलता पे तुम सुन लियो चक लो धर लो ठोक लो तेरी माँ की तेरी भैन की यही कुछ चलता गा मेरा कहने का मतलब इनू वोट ना ये गाने पैनी है ना ये फेम में पैनी है जी हूँ वोट पैनी है पंजाब मेरी गल याद रखियो बड़ी चेंज है इस बार चेहरे को वोट पैनी है लोग कहते कम किया पार्टी वोट पैनी है लोग कहता पार्टी ने कम किया पार्टी वादे पूरे करती है खड़ती है फिर वोट पैनी है अदरवाइज वोट नहीं अच्छा ये तुम कह रहे हो लोग सोचते हैं भी वोट चेहरे को पाइए कि वो काम को देख के पाइए लोग सोचते हैं बिल्कुल सोचते हैं क्यों नहीं सोचते बदला नहीं तुम्हें पंजाब लग रहा लोग जे ये एडा का फेम हों तो मैं ये दसो यदि आपकी सीट के हालात मानसा के की बने पे ने यह कहना मैं 14 कढ़ के दूँ तेन भेजो ना होर हल्के जो पता लग जू कि फैन फॉलोइंग इनू कह जा कांग्रेस इकट्ठे करके दिखा 100 किसी भी हल्के करके दिखा तो जेडे इकट्ठे करूँ वो कोई आम का हो कोई आप अकाली दल दू वैसे नहीं आते वह सब भज गए वो देखे नहीं तुम कि कमेंटा तो गाला कड़ दिया कांग्रेसी 200 बंदा इकट्ठा करके दिखा दे कला जावे मेरे हल्के बई जी जे कोई पंच सरपंच तुरै ना पांच सत्त एम सी या पांच सरपंच वैसे तो नकारिया होया जे तुरै चैक से आ चोन जाबता अज लग गया हूँ पता लग जू पिंड नहीं चलने लोग नहीं चलते क्यों की उम्मीद ना चल चैक मुक गए चैक मुक गए उम्मीद की आ चलन की सोच आ कोई कोई मोटिव तो होना चाहिए बंदे का कुछ देखना चाहिए तुम रास्ते से तुरोंगे तुम मंजिल बनाई आ कुछ देख के चलोंगे ना भी यार वो सामने गुरुद्वारा साहब मत्था टेक के आना जा मंदरा मस्जिद का जा यार मैं इतने जाना ये जाऊँ कितने अगला की सोच के जो भी सिद्धू मूसे वालों वोट एम एल ए बना गा एम एल ए किनू बनाएंगे लोग सिद्धू मूसे वाले कलाकार देन की आ बहुत सोचेंगे समझदार लोग ने खास करके मानसा ने मानसा प्योर सच्चे ते साफ लोग किसानी अंदोलन सब तो वो मानसा च जथेबंदी ढांचे सब तो वो मानसा च कामरेड ख्याली लोग मानसा च जिदे नाल हैगे ने तो हैगे ने जिदे नाल नहीं कोरा जवाब अच्छा हो सकता कि उन्होंने माता जी सरपंच ने हुण मौजूदा कह सकता सिद्धू मूसेवाला भी मेरे माता जी सरपंच ने काम किए ने इस बिहार ही कोई वोट मांग सकता कि वाकई फिर जे काम किए ने तो वोट मिल जूगी माता जी सत्कारयोग ने माता जी जेडे वो पिंड मूसा सुरदूलगढ़ च पैंदा नॉट मानसा सुरदूलगढ़ च पैंदा सुरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी लगा मानसा लगा चलो आप मानते भी जिले चा जे काम किए होंगे तो कहेंगे मूसे पिंड की एक वीडियो वायरल होंगी रही है हर दो दिन बाद होंगी अज भी हुई है अज मीह पै रहा बहुत ज्यादा तुम्हें मैं वीडियो दिखाऊंगा मेरे को किमें ना किमें वीडियो भेजी आ प्यार करने वाले भेज देंगे ने भी बई आ विकास आ जल थल होया पैगा टोबा पानी ना भरया पैगा कोई कैसा कम जिहड़ा खीवे बलजीत शर्मा ने ना किया होवे मेरे सरपंच बलजीत शर्मा खीवे पिंड तो खीवे कला तो तारी होड़ले तो करणवीर गुरथड़ी तो राय सुनी चलो एम सी लक्की विनोद एम सी नगर कौंसल भीखी ऐसे कम करते ग्राउंड बनाते चैलेंज आ पिंडा ना वह भी सरपंच ने इन्हें माता जी भी सरपंच ने काका जी आप भी सरपंच कहते हैं उन्होंने मुकाबले 30% भी कम किया हो 30% मैं विरोध करना बंद कर दूँ ज मेरा सुनेहा ला दू आ सरपंचा के मुकाबले मेरे हल्के पिंड सरपंच भोपाल मेरा जद्दी पिंडा मेरे पिंड के मुकाबले 30% भी कम किया हो मैं तो चैनल पर कहना गज तो मैं विरोध करना बंद कर दूँ उन्हें 2.5 साल 3 साल सरपंच बने उन्होंने हो गए 3 साल ही आ सरपंचों हो गए होड़ला करणवीर बलजीत शर्मा खीवा तारी सरपंच खीवा कला भोपाल कला भोपाल खुरदे मेरे पिंड ने गुरथड़ी वाला राय एम सी लक्की ठीक है विनोद एम सी भीखी इन्ने कम किए ने बई जी रिकॉर्ड तोड़ते इन्होंने पिंड इन्होंने कोई कम छड़े ही नहीं ठीक है उन्ना जिन्ना इन्हें कम किया हो मैं तो विरोध करना बंद कर दूंगा अच्छा छपिंदर भी 30% भी कम किया हो बंद ने जित के दिखावे जो चैलेंज कर रहे हो कि मेरा डिबेट कर लेवे सारा ज्यादा कम किए ने मैं उन्हें कुछ किया नहीं वो आ गया आके 2 दिन तो बाद राहुल गांधी ने मिलने चला जाता जो कल तुम हार जाने फिर तुम कहने भी राजनीति छड़ दोगे जो टिकट मिल जाती है तुम जो किसी होर पार्टी मिल जाती टिकट मैं होर पार्टी मैं टिकट नहीं लेंदा कांग्रेस संगठन मैं प्यार करदा मैं लग्या होया मैं लग्या रहूँगा सिद्धू मूसेवाले नाल तुरना एक अलग गल ठीक है पार्टी ने तुरना एक अलग गल सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक महीना पहला पार्टी च आया ठीक है पार्टी
साड़ी परिवार पार्टी लिए मर गया खड़ गया तो मैं पहला भी दस्या भी पार्टी ने बहुत कुछ दिता साढ़े परिवार को, मैनू टिकट मिलती है जित के मैं पार्टी की झोली च पाऊँगा। ठीक है, ये मैं नहीं कहता, तुसी सर्वे करवा लो, मेरा सर्वे करवा लो, उसका सर्वे करवा लो, तुसी पत्रकार भराओगे प्रेस सर्वे करवाउंदे तुहाडे रिलेशन होंगे, तुसी किसी मर्जी रिपोर्टर को पुछ लो भी इतों के हालात की ने। देखो कहिंदे आ वैसे ही पता लग जाता भी हनेरी किधरों आ रही है, हालातों का पता लग जाता पूर्व पछम, ठीक है, वह पता लग जाता, सब लोग जानी जाने ने तो उन्होंने पता लग जू भी हनेरी किधरों आ रही है, माड़ा जहाँ पता कर लो। ठीक है, मैं तो कहना गा भी मैं सीट जित के झोली पा दूँ, हाँ जे यही सीट फसाई रखी, यही फसाई रखी, 10 दिन पहला 5 दिन पहला मैं सीट देंगे ने, मेरा संघर्ष होर लंबा हो जू। अच्छा, सिद्धू मूसेवाल ने कहता जे खुद कह देने कि सीट ना मिली वो कहते मैं याद लड़ूंगा, उन्होंने डिक्लेयर करता है, हम जो तुम्हें सीट नहीं मिली तुम कहते मैं किसी पार्टी वालों नहीं लड़ूंगा फिर तुम आजाद लड़ो, तो देख लो भावना। फिर मैं अज भी कहना मैंने सीट मिले ना मिले मैं पार्टी के नाल हाँ, हालांकि मैं कितनी मेहनत की है, किन्ने मैं तशद्दुद झले ने, मैं जेलां भी कट लिया, मैं लड़ाइया भी लड़ लिया, मैं अपना घर मतलब कि मुद्दा मारने वाला काम हो जाता सियासत दे विच, ते ओ बंदा महीना पहला आके कोई संघर्ष नहीं करिया, मतलब उन्हें कोई सेध नहीं, कोई देन नहीं, कोई संगठन देन नहीं, जदों लग्या भी जसपिंदर वीर मेरे पैर नहीं लगन दे रहा भी यार हालात लोग मेरे सरपंच भिखी ब्लॉक मानसा ब्लॉक के कई सरपंच मेरे तुर नहीं रहे, MC ने शहर च विरोध कराया होया, होर कई साढ़े सीनियर लीडर ने जिहड़े दावेदार ने उन्होंने विरोध कराया होया गा, तो कह रहा गा जे ना मैनू टिकट दिती चेतावनी दे रहा तो मैं याद लड़ूँ, पर लड़ूँगा इतों हंकार लड़ूँगा इतों हैंकड़ हैंकड़ मानसा दे विच ना चली आ ते ना चले तो ना असी चलन देईए, मानसा दे लोक प्यार नाल तां कढ लो जान इन्हां दी। ठीक है, किसानी देखो तुसीं किसानी कि मैं लोगों ने खड़ी करी है, पर हैंकड़ नहीं चलनी। तो तुसीं आजाद लड़ोगे जे किसी सियासी पार्टी वालों नहीं लड़े तो नहीं, पता नहीं की हालात होंगे। देखो मैं हजे हाँ भी ना भी मतलब कुछ नहीं समझ, मैं लोगों ना गल करूँ, मैं अपने संगठन ना गल करूँ, मैंने मिले नहीं, मैं अपने प्रधान जी ना गल करूँ। ठीक है, उन्होंने मेरे से एहसान आ, ढिल्लो साहब का कृष्णा जी का मेरे से बहुत बड़ा एहसान आ दोनों का, कई बार एहसान बंदे दब लेंदाम घर के मुंडे। ठीक है, पर यह गल मैं अच्छ कैमरे राही कह लग्या, मैं ना कमज़ोर नहीं है, मैं आम घरों पैदा हो सकता, आम घर का मुंडा हो सकता। ठीक है, पर मैं स्पोर्ट्समैन हाँ, मेरे पिता जी भी स्पोर्ट्समैन से, मेरा अपनी परफॉर्मेंस देने तक ध्यान है, मेरा मैच जितना हारना मैं भी नहीं पता, पर मैं किमें रेड पानी है, मैं किमें नंबर क्ढना, मेरा सिर्फ इतने तक मकसद है। सिद्धू मूसेवाल मैं क्या जी तुम कदम परमात्मा दिल लैके ना आए। ठीक है, पर मैं फोकिया थापिया नहीं मारिया कदम, मैं स्टेज पर खड़ के चक लूँ धर लूँ, मैं ये काम ना जिंदगी किया ना करना, सच्ची थापियां मारिया ने, खेडे हाँ जिते हाँ लड़े हाँ हक लिए लड़े हाँ, तो उमें लड़ता रहूँ। नौजवान की हर वो भैन की हर मेरी माँ की जिन्होंने उम्मीद है जसपिंदर वीर तो, जिन्होंने उम्मीद है मेरे संगठन तो, उन्होंने लड़ाई तुन के लड़ूंगा ठोक के लड़ूंगा। अच्छा, इंटरव्यू तुम कर रहे हो, वीडियो सोशल मीडिया तुम्हारी वायरल हो रही रैलियां तुम कर रहे हो, बाकी सियासी पार्टी को पता लग रहा भी एक पास जसपिंदर चहल है, दूसरे पास सिद्धू मूसेवाल आपस में पिड़े हुए हैं, किसी होर सियासी पार्टी वाले बंद ने फोन किया भी साड़ी पार्टी चाहो तुम असं टिकट देने। देखो चंगे घोड़े तो हरेक मुल लाउंदा लग्या, मुल चंगा पत्रकार हुंदा कि नहीं हरेक भजदा। ठीक है यार, भी बड़ा चैनल चलता भी कितना ये साडे नूं टाइम कढ ले, सो इहदे च कोई दो राय नहीं, हर पार्टी नूं चंगा चंगी दावेदारी चंगा ठोस बंदा चाहिए हुंदा, हरेक बंदा अप्रोच करदा गा, बहुत ने कीता बहुत कर रहे ने, पर मेरा कोई फैसला भी मैं मेरा पार्टी छड्डना, मैनूं पार्टी ने दित्ता बहुत कुछ है, क्यों छड्डूं। हाँ, सिद्धू मूसेवाल का विरोध आ, मैं वार बार एको गल कहना भी मेरा विरोध सिद्धू मूसेवाले का, नॉट पार्टी, मैंने पार्टी ने बहुत कुछ दिता, अगे पार्टी की फैसला सुनाती है, उस तो बाद गल् ने मैं संगठन ना गल करनी है, मैं लोगों नाल करनी है, मेरिया की भावनावान ने, मेरे परिवार का की विचार ने, वो बैठ के बाद गल। अच्छा, कि सियासी पार्टी चो फोन आया भी साढ़े पास? बहुत ने बी जी, सारे कहें सारिया पार्टियां पहला जिन्हें टिकट अनाउंस करती मेरे नाल लगी हुई इस पहला रबता कायम करना, पर मैं मना करता। ठीक है, मैं कोई मीटिंग भी नहीं की है, मैं कहता भी मैं मीटिंग की है तकरीबन सारिया देर। अच्छा, मैं आखिरी सवाल है कि जो हम तुम जो सारी गलबात रखी है तो सारी गलबात एक चीज़ तो झलक के आती है कि एक फेम चेहरा चाहे वह कोई भी स्टार है चाहे वह गायक है चाहे वह बॉलीवुड चो है चाहे बॉलीवुड चो है वो एक शख्स किसी भी 117 सीटा चला जाता है तो जो शख्स काम कर रहा कोई वैल्यू नहीं होंगी, नहीं होंगी, वो खत्म है। देखो ज पार्टी खत्म करवा देती है। देखो जो फेम आ ना मतलब कि फेम कित उतरदा गा वो फैन फॉलोइंग उन्होंने कैच करती है। एग्जाम्पल के तौर पर सनी जी आई सी, मैं उन्होंने बहुत बड़ा फैन से, मेरे पिता जी मेरे मतलब धर्मेंद्र के फैन से मेरे पिता जी, मैं उन्होंने बहुत बड़ा फैन हाँ उन्होंने,
सी ते हाँ जिहड़ी गल सच आ, पर वह बीजेपी वालों लड़े उत्थे, उन्होंने जाखड़ साहब नूं हराता, वह आए तो जाखड़ साहब सुलझे हुए लोगों समर्पित एड्डी वड्डी सोच पोलीटिकल सोच, पर वो हार गए। ठीक है, वह आए तो हरा के चले गए, वह खमियाजा अज तक असं भुगत रहे, उन्होंने तो भुगत नहीं भुगतना, पंजाब भी भुगत रहा। जाखड़ साहब, जाखड़ साहब वर्गे लीडर नूं हारदा मूँह देखना पै गया वो बंदे करके, पर जो है कितने ने सनी जी अजो नहीं है उत्थे। ठीक है, सनी जी देखो उन्हों का किता, उन्होंने काम आ एक अलग आ, वड्डी देन आ। इं इत ला लो कोई लीडर आता गा, कोई भी आता गा, इतने समझो तुसी एक लीडर कम कर रहा बड़ा, वो चल जाता गा, एक लीडर नूं चेंज करता क्योंकि लोगों च रबता तो उही स्टाइल हुंदा कम करन दा, दूसरी थां ते जो चल गया। एक वह बंदा हुंदा जिन्हें सुपने बड़े देखे हुए ने, वड्डी दुनियादारी आ, माहौल बड़ा, ठीक है, वह आके लोगों च किवें उतरू ग्राउंड ते, उपरों थले किवें आऊगा, हेठों उपर तां जांदे देखे ने, तुसी बंदे नूं उपरों थले उतार दिओ फिर उहनूं कहणा वी हुण इत्थे नज़ारे लै, असमान वाला बंदा धरती ते किवें फिटू, नहीं होणा, किवें होऊगा दसो मैनूं, असमान तों हेठा किवें फिटू, नहीं होना। अच्छा, तुसीं दोष कीदा मंनदे हो, क्योंकि हले स्पष्ट दसो, सिद्धू मूसेवाले नूं टिकट देण दा काम कर दी है पार्टी उत्थे, वह दोषी है कि सिद्धू मूसेवाला, क्योंकि पा टिकट तो पार्टी ने देनी है ना, फिर दोषी किनू मनते हो असल में? देखो ये दोषी बड़ा औखा सवाल किया मैं ये, ठीक है, असल दे हरेक पार्टी नू एक चंगे नाम की एक चंगी पहचान की जरूरत होंगी, हरेक पार्टी चाहती है कि एक फेम वाला बंदा साडे वल्लों लड़े, शायद वह आसरा जिहड़ा पूरे पंजाब च जां पूरे हिंदुस्तान च जावे, हरेक किसी टिकट कट के किसी टिकट करके, हाँ बली तो देनी पैंदी है, फिर बली तो हुण जदों किसे कित उदों लड़ाउणगे उहदी किसी ना किसी तां बली आऊ, पर मैं चाहुंदा हो सकदा पार्टी दे अलग अलग फंडे ने, मैं चाहुंदा वी जे आपां लड़ लै के आओ, जरूरत आ चंगी सोच की जरूरत आ, लै के आओ, पर क्यों किसी आम तो गरीब नूं मारो, मातड़ नूं, नाट ग्यारे नूं, नाट ग्यारे दे नाल टोचन पाओ, सफीर दे खिलाफ लड़ाओ, लंबी सीट ते लड़ाओ जिथे अज तक कांग्रेस पार्टी जीती नहीं, तो जित के दे दू, नाले ताकत दा एहसास ते नाले सब तो प्लस पॉइंट कि जिहड़ी सीट कदे जीती नहीं वो साडी झोली, असीं उत्थे ही क्यों लड़ा रहे हां जिथे आम लोगों ने मेहनत कर कर, कोई भी लीडर आ जदोजहद करके लड़ाई लड़दा, मैं अपनी लड़दा, होर चार भरा मेरे नाल लगे हुए हैं, हरेक बंदा सोचता भी मैं इत्थों टिकट लै जा, मैं इत्थों आह कम कर ला, वो उत्थे कम कर रहे ने, उत्थे लड़ रहे ने, उत्थे ही क्यों एड्डी वड्डी ताकत नूं नाट ग्यारह नूं आशे नाल टोचन, क्यों आशे नाल आशा ठीक रहिंदा, नाट ग्यारह नाट ग्यारह नाल, समझ लो मेरी गल। सो इस करके पार्टी ने चंगा फैसला लिया सी वी शायद किते पंजाब च खड़का हो जू, पर मैनू लग्या लोग समझते हैं, तुसीं कमेंट देख लो, हुण तां कहिंदे वी चुष्पिंदर वीर चहल विरोध कर रहा, जिदन ज्वाइन किया उस दिन तो कलाकार का विरोध हैगा, उस दिन तो कमेंट देख लो हरेक चैनल पर, लोग अद्धे रह गए, फॉलोअर्स भी घट गए, लोग मतलब कि भी लानता पा रहे हैं। ठीक है, मेरा कहने का मतलब जिहड़े पार्टी ने फैसला किया कुछ इस करके किया कि चेंज आऊ, पर नहीं आई पार्टी नहीं सी भी 12-13 सीटा शायद करूँ, पर सोचते कि भी आप चंगे लिए हुए उल्ट हो जाता, एक किसी वस च नहीं रही। नाठ ग्यारह की गल की तुम कहते टोचन पाता आशा नाल नाठ ग्यारह का, तो तुम तो कहते मैं घड़ीस लूँगा, तो घड़ीस का नहीं सोनू पता नहीं, जो आशा ना जो आशा डायरैक्टर आ यह घड़ीसे ना घड़ीसे पर धूं मरवा दिता, यह अड़िया रहा कड़ा 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 करता रहा, सो उ जी टस आ ना आशा ही भन्नदा सारे की, सियाने कहते आशा ही टस भन्न दू, सो नाठ ग्यारह के स्लिप बजी जाते हैं, बजी जाते हैं, बजनगे स्लिप बजनगे, ये स्लिप अं बजनगे, आशे नूं तुसी कमजोर ना समझो, बहुत पुराना मॉडल आशा, आशा सब तो पहले दे विच आशा आया सीगा, बाकी तो बाद च आए ने, आशा माड़ा ट्रैक्टर नहीं हुंदा चंगा हुंदा। तुहाडी समाइल पिछे एक दुख भी है, टिकट ना मिलेगी शायद की होगा, कई चीज़ा परमात्मा दी छड़नियां चाहीदियां ने, मैं प्रूफ कर सकदा, मैं लड़ सकदा आपदे हक लई, मैं अड़ सकदा, जे फिर भी किते ना किते मैनूं हार दा सामना देखना पिया, मैनूं कबूल करूँगा मैं, पर उहदा मतलब यह नहीं हैगा भी मैं हार मन गया तो मैं घरे बैठ गया, मेरा लड़ाई लड़न का तरीका फिर किवें होना, की करना, लोगों च किवें रहना, मेरी सोच कदे नहीं मर सकती, मैं लोगों च ही रहना, मैं लोगों लई लड़ना, जरूरी नहीं भी टिकट दे के ही सेवा होनी है, जरूरी नहीं कि MLA बन के ही सेवा होनी है। मेरा पिता जी मेरे दादा जी कहते सी भी जिन्हें काम करना उन्हें कासे की जरूरत नहीं, वह काम करता रहा, बई जी मैं हुण MLA MP नहीं सी पर फिर भी मैं 5 to 7 हज़ार बंदे नूं आपदे नाल जोड़ के रख्या होया गा, शायद मेरे कई कम उन्हां नूं पसंद आउंदे ने, एक कम अहीं जारी रहणगे, टिकट मिल गई एक ताकत आ जांदी है, देखो
ठीक है सिस्टम च रह के संविधानिक ताकत आ जाती है चैक देने ग्रंटा वंडनियाँ लोगों के घर बड़िया समस्यावान ने उन्होंने बंदा बड़े तरीके विचर सकता। अच्छा आखिरी कमेंट चाहूँगा जे सिद्धू मूसेवाले उत्थे आ गए जो पंजाब कित होर भी चले जाते तो वर्ग के एक नौजवान की होर भी टिकट कट्टी जानी सी फिर जिन्ना दुख तुहानू अज हो रहा है तो कोई होर नौजवान भी दुख ना होना ऐसे करके अज मैं लड़ाई लड़ रहा कि किसी माँ का पुत जो सुपने देख तो कोई पानी ना फेर सके मेरे नाल जो हो देखी जाओ मैनू की फेस करना पऊ वो परमात्मा नू पता अगे हालात मेरे की होने परमात्मा नू पता ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਓ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਥੋਂ ਐਂ ਕੰਮ ਲਓ ਠੋਕੇ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਊਂ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਸੰਗਠਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਵਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਵਾਜ ਜਟਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਟੂ ਆਪਣਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਦੇਖੂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਸ਼ਪਿੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਈ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੱਲ ਪਾ ਦੇ ਪਾ ਦੂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਯਾਰ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੰਕਾਰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਫਿਰ ਹੱਕ ਮਾਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿਸੇ ਆਮ ਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ ਐੱਲ ਐੱਮ ਪੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਟਾਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਲੇ ਟਿਕਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ ਕੁਝ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿ ਹਾਰਨਗੇ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੜਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਲੈਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਣਗੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ